अपने आप को क्या समझ आया? कोई समझ आया मुझे देख के बताइए घर में क्यों समझ आया ये दो लाइन बोली अच्छा सही बच्चा कौन सा था? सही ग्राम में कौन सा था? कूड़ा गिराने आता है कूड़ा खाने खाने क्यों और जब मैं ध्यान से निकलेंगे क्या वीडियो आप ज्यादा नहीं यूज कर देखो घर से जाओ
एक कैरी बैग लेके कैरी बैग मतलब झोला लेके आए थे बाहर आए तो रिंग्स निकालनी पड़ेगी तो पन्नी बचेगी तो हमारा वातावरण साफ होगा। अच्छी बात है। स्वच्छता के फायदे तो पता ही बताओ। स्वच्छता के फायदे बताओ। कोई खड़ा होके देखो पांच लोग आप ठीक है मतलब वैसे स्वच्छ आप है नहीं तो हम तो हेल्दी रहेंगे स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा नहीं रहेगा अगर इस प्लान में स्वच्छता में आपको आप लोग क्या करोगे यहाँ पे बताइए बताइए नहीं पढ़ोगे ना ये आपका आपको मन नहीं लगेगा बदलू आएगी आपको नहीं पढ़ पाओगे यहाँ पे बैठ के दूसरा फिर इससे प्रदूषण कम हुआ। अच्छा बताओ कपड़े अगर गंदे होंगे तो पहनने का मन होगा या एक कपड़े डस्टबिन पहना कोई लड़का लड़की कुछ भी पहने है ना सब धुले कपड़े चाहते हो है ना तो क्या होगा सफाई रखनी चाहिए कपड़ों की कौन कौन से हम लोग ने चीजें बताई तो एक कोई काम करो सब एक एक चीज बताओ जो हम चारों ने बोलिए सबसे पहले आप बताओ आप जो एक तो हमें डस्टबिन के बारे में सीखने को मिला है ना आला सीखा वाला है ठीक है दूसरा थोड़ा नाम तो बिना उसके प्रकार के ये होता है दो प्रकार के सब गीले सूखे ठीक है नहीं मिला आज तो नहीं मिला मैंने कौन सा बताया भाई लगे बच्चे सबको अपने घर में बनाना है इसको ठीक है और खुद भी फॉलो करना है खुद भी फॉलो करना है इसलिए हम इसी लिए आए हैं कि आप लोगों को सफाई के बारे में बता दें और आप लोगों को सब लोगों से अब आप ही लोग जब तुम अपने घर से अपने आस पड़ोस से शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके देखिए उसने एक करके काम करते हुए उठाते हुए डालते देखा तो दूसरे ने उसने कुछ सीखा ना कह रहे नहीं नहीं ये तो मैंने देखा था लाओ मैं ये देखता हूँ ये मेरी गलती है एक्सेप्ट किया उसने ये चीज तो ऐसे ही आप लोगों को भी मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप लोग बोलो कि आप स्कूल को जाकर देखते ना आप साफ कर रहे हैं पहली स्वच्छ इंडिया बन जाएगा है ना। अच्छा बनेगा नहीं बने साफ भारत मेहनत करेंगे।